बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ खड़गे से मुलाकात का कार्यक्रम है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह कि पहले सुखजिंदर रंधावा और केसी वेणुगोपाल के साथ तमाम नेताओं की मुलाकात हुई, मसलन बैठक हुई जिसके अंदर सह प्रभारी भी थे। लेकिन अब क्या वाकई में एक कंपाइल रिपोर्ट तैयार हो गई है जो मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर जाकर उन्हें सौंपी जाएगी? मेरे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए। अश्विनी, सियासत में कहा जाता है कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं, और जो दिखाई दे रहा है वो तो हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जो दिखाई नहीं दे रहा वो चल क्या रहा है? देखिए बिजेंद्र, वैसे तो संस्कृत में वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर दरअसल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मल्लिकार्जुन खड़गे की निवास पर पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पहुंचे हैं। और जब प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी एक साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचे हैं तो इसका मतलब कम से कम ये तो निकाला जा सकता है कि राजस्थान को लेकर जो भी मंथन बीते दो दिन यानी कि कल और आज में किया गया है उसको कंपाइल किया गया होगा और उसके बाद उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा। इस पर बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी अश्विनी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह बैठक महत्वपूर्ण है। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर मुलाकात के लिए वक्त मिला है तो तस्वीर साफ है कि संगठन को लेकर जो मंथन नीचे हुआ है उस मंथन के ऊपर जो रिपोर्ट तैयार हुई होगी उसको मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने रखना होगा कि भाई हमने दो दिन जो मंथन किया है, सह प्रभारी रहे, प्रदेश प्रभारी रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने जो मंथन किया है और जो रिपोर्ट आई है सह प्रभारियों के जरिए, चाहे वो चुनाव में टिकटों को लेकर हो या संगठन में विस्तार को लेकर हो या फिर किसी अन्य सूची को लेकर हो, उसको कंपाइल किया गया होगा और फिर उसे मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने रखा जा रहा होगा। हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए हैं। अश्विनी, मानकर चलें कि दो दिन का मंथन और उसकी एक रिपोर्ट होगी जो यहां मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने रखी जा रही होगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, प्रभारी पहुंच रहे हैं, तो मीटिंग तो बड़ी है। सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ खड़गे की मुलाकात, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और इस मुलाकात के अपने आप में मायने हैं। जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से मंथन हुआ, सह प्रभारियों के साथ जो रिपोर्ट तैयार हुई, जो सर्वे कराने की बात सामने आई, जिन 70 सीटों की बात सामने आई कि वहां कांग्रेस कमजोर है, मजबूत कैसे किया जाए, मजबूत कैंडिडेट कैसे चुना जाए, इसको लेकर मंथन हुआ। 4 से 5 लोगों का पैनल भी तैयार हुआ है। वहीं जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो, सचिवों की सूची हो या फिर किस नेता को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसको लेकर हुआ मंथन हो। मुमकिन है कि एक रिपोर्ट तैयार हुई होगी और ये इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए हैं। अश्विनी, अगर आप तक आवाज आ रही है तो मानकर चलें कि दो दिन के मंथन की एक रिपोर्ट तैयार हुई होगी जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा जाना होगा कि हमने ये मंथन किया है, ये रिपोर्ट है और तस्वीर आपके सामने है। विजेंद्र, जिस तरह गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से लंबी बातचीत की, अपना पक्ष रखा, बात की कि दो दिन तक क्या किया और उन्होंने अपनी सूची जो राजस्थान में प्रदेश कार्यकारिणी की एक सूची है जो इनकी ओर से तैयार कराएगी, इसमें तीनों सह प्रभारी थे, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा थे और PCC चीफ थे, इनकी ओर से तैयार की गई, वो संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल को भेज दी है। अब उनका अनुमोदन जब होगा उसके बाद सूचियाँ जारी होंगी। इस पूरी दो दिन की जो बैठकें हुई उसका झील तो सिर्फ ये था
कि इन बैठकों में किन किन को नियुक्तियां दी जाएगी, किन किन को किस पद पर लगाया जाएगा, ये सूचियां प्रदेश कांग्रेस की ओर से AICC के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल को सौंप दी है। कब अनुमोदन होता है, कब घोषणा होती है, इसका इंतजार होगा। हालांकि जिस तरह डोटासरा कहते हैं बहुत जल्दी इसका अनुमोदन होकर घोषणा हो सकती है। दिन में ही ये कह दिया गया था, डोटासरा ने कहा था कि उनकी ओर से समय मांगा गया है, अगर समय मिलता है खड़गे जी का तो रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों को ही मुलाकात करनी थी खड़गे से, और अब हम उनके निवास के बाहर हैं, वो दोनों ही नेता अंदर हैं। राहुल गांधी से पहले खड़गे के निवास पर थे लेकिन वो अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकल गए हैं। राजस्थान के नेताओं की और राजस्थान के प्रभारी की राहुल गांधी से यहाँ खड़गे के निवास पर मुलाकात नहीं हुई है। इसके अलावा यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष समेत दूसरे नेता मौजूद थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। कमलनाथ थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं, लेकिन जो गंभीर बात है राजस्थान को लेकर वो ये है कि क्या वो जो सूचियाँ सौंपी गई हैं उसको लेकर बातचीत खड़गे और राजस्थान के प्रभारी और पिछली सीफ में होगी, उनके अनुमोदन को लेकर क्या बात होगी। हालांकि की बात कही गई थी कि राजस्थान में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची बहुत पहले सौंपी गई थी जिसका आज तक अनुमोदन नहीं हुआ। और सूची अश्विनी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।